जय हिंद। आज इस वीडियो में बात करने वाले संतोष ऐप को कैसे यूज करना है। संतोष ऐप को यूज करने के लिए आप किसी भी सेलो सिस्टम से dss-dg-del.sello.local या santosh.sello.local टाइप कीजिए तो आपको लॉगिन पेज एक्सेस हो जाएगा। यहाँ पे अभी हेड ऑफ ऑफिस को राइट दिया गया है कि हेड ऑफ ऑफिस लॉगिन कर सकते हैं। हेड ऑफ ऑफिस को अपने इरला नंबर व उनके सेलो एप्लीकेशन के पासवर्ड की मदद से इस सिस्टम में लॉगिन किया जा सकता है। सेलो ऐप का पासवर्ड यदि आप भूल गए हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके रीसेट कर सकते हैं। आप इरला नंबर और पासवर्ड फिल करने के बाद में सबमिट बटन पे क्लिक करें। लॉगिन होने के बाद में एक डैशबोर्ड दिखाई देगा जहां से आपको पता चलता है कि आपके यूनिट के कितने लोग अंडर ट्रांसफर हैं, कितने लोगों ने चॉइस भरी और बाकी डिटेल्स। अभी दो एक्सरसाइज यूनिट लेवल पे होनी है। सबसे पहली पीआईएस वेरिफिकेशन, यदि आपके यूनिट में जितने लोग अंडर ट्रांसफर है उनकी लिस्ट यहाँ पे दिखाई देगी। जो भी डीलिंग है वो यहाँ पे चेक करेंगे कि इनका पर्टिकुलर इंडिविजुअल का पीएस करेक्ट है या नहीं है, और यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे पीएस इज रॉन्ग और पीएस इज करेक्ट, और उसके बाद में सेव पे क्लिक करेंगे। जब आप इसको सेव कर रहे हैं तो यदि आपने पीएस इज रॉन्ग लिखा है यहाँ पे तो ये जो रॉन्ग वाले रिकॉर्ड है ये आपको जब तक दिखाई देंगे जब तक आप इनको पीएस इज करेक्ट नहीं कर देते। जो रिकॉर्ड आपने पीएस इज करेक्ट कर दिया वो रिकॉर्ड इस लिस्ट से हट जाएगा। इसी पेज के बारे में कि कैसे आपको यूज करना है, आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए हैं जिनकी आप मदद ले सकते हैं। पीएस वेरिफिकेशन टास्क होने के बाद में यहाँ पे रिकमेंडेशन फॉर स्पेशल यूनिट का आपको एक स्क्रीन दिया हुआ है। ये जो इंडिविजुअल पर्टिकुलर किस स्पेशल यूनिट के लिए एलिजिबल है उसका आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। बोर्ड असेस करने के बाद में ये एक्सरसाइज होनी है। मान लीजिए कि ये पर्टिकुलर जो पर्सन है ये सिस्टम यदि यहाँ पे डिसेबल है इसका मतलब सिस्टम की तरफ से ये वहां के लिए एलिजिबल नहीं है, तो इसको असेस करने की जरूरत नहीं है। आपको जिनका चेकबॉक्स यहाँ पे आप क्लिक कर पा रहे हैं वो लोग एलिजिबल हैं उस स्पेशल यूनिट के लिए। यूनिट लेवल पे बोर्ड इन एलिजिबल कैंडिडेट की पर्टिकुलर यूनिट के लिए सुटेबिलिटी चेक करेंगे। बोर्ड को लगता है सुटेबिलिटी चेक करने के बाद कि ये इंडिविजुअल वीआईपी सिक्योरिटी के लिए तो सुटेबल है बट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए सुटेबल नहीं है। तो जिस यूनिट के लिए इंडिविजुअल सुटेबल है उसके बटन को चेक करें, बाकी को अनचेक छोड़ दें। ये एक्सरसाइज तभी करनी है जब आपका मैनुअल असेसमेंट हो चुका हो। यदि आपको रिकमेंडेड रिपोर्ट चाहिए तो आप यहाँ से रिकमेंडेड की रिपोर्ट भी ले सकते हैं। जो आपने रिकमेंड किए होंगे उन लोगों की रिपोर्ट यहाँ आपको इस स्क्रीन पे मिलेगी। जितनी भी स्क्रीन है उन सभी के नीचे हाउ टू यूज की कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं जो ये बताते हैं कि आपको ये स्क्रीन कैसे यूज करनी है। ओके, थैंक यू।